जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य, जिसमें हम देखेंगे हिंदी में प्रथम, और इसको हम ट्रिक से देखेंगे। एक बार वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से, जिससे आपका कन्फ्यूजन कभी होगा नहीं एग्जाम में। सबसे पहला क्या है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। यहाँ पर लिखा है पा, पा माने क्या होता है? पिता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा दिया सर सर पा। ठीक है, ये क्या है? हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो पा माने पिता, पिता माने पापा, पापा सरहप्पा। सिंपल है, याद कर सकते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हमारे पापा। पापा माने सरहप्पा। सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? शंभू। हे शंभू। ठीक है, यहाँ लिखा है अपभ्रंश। यहाँ पर शब्द देख रहे हैं अपभ्रंश, यहाँ पर आ रहा है स लास्ट में, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि, यहाँ पर भी स, यहाँ पर भी स, अपभ्रंश स से शंभू। ठीक है, यहाँ पर देखो भ आ रहा है, यहाँ पर भी भ आ रहा है, यहाँ पर अंक मंत्र आ रहा है, यहाँ पर भी अंक मंत्र आ रहा है। सिंपल है, दोनों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? कौन सी है? श्रवाकाचार। ठीक है, श्रवाकाचार। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रथम रचना, क्या है? रचना। यहाँ र च आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? चार। ठीक है, श्रवाकाचार। ठीक है, रचना श्रवाकाचार। तोड़ के याद करेंगे तो याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना भूलेगा। क्या है? श्रा वकाचार। ठीक है, रचना, पहली रचना कौन सी है? श्रवाकाचार। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रचना रचना, यहाँ श्रवाकाचार, जो कि देवसेन की ये कृति है। ठीक है, देवसेन। ठीक है, सिंपल है, भूलेगा नहीं भूलेगा। आगे है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो, जिसने लिखा है चंदरदाई ने। ठीक है, हिंदी साहित्य। ठीक है, तो साहित्य में जब कहेगा रचना, तो आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ये सब जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन होता है, भूलता है। तो जब पूछेगा कि हिंदी की प्रथम रचना, तो ये हो जाएगा आपका श्रवकाचार। जब कहेगा हिंदी साहित्य, जब लगा देगा तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, भूलेगा नहीं ना, सिंपल है। आगे है साथियों, हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य, जब प्रथम हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी कहे, तो यही आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहेगा, तब पर भी आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। तो किसी के पति जी हैं। ठीक है, किसके पति? विद्या के पति। वो क्या कहते हैं? गीत गाते रहते हैं। तुम्हारे पति जैसे हैं, कोई लड़की है तो उसका पति क्या करता है? गीत गाता है। जो विद्या होती है, जो पढ़ने वाली, उसको गीत गा गा के पढ़ता है कोई, विद्यापति। ठीक है, गीतकार बोलेगा तो विद्यापति। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा नहीं। आगे है साथियों, मुकरियों का शुरुआत किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो, ये लिखा है अमीर खुसरो, एक मुस्लिम शब्द है। ठीक है, आपको आसान से याद करना है, तो मुकरियों मैंने बकरियों, बकरियां पालते हैं, जानते ही होंगे, सिंपल है, अमीर खुसरो। ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा आपको। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुज आचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द आ रहा है राम जी। ठीक है, तो भक्ति सबसे फेमस किसकी है? राम जी की। ठीक है, तो याद रहेगा रामानुजा आचार्य। सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे साथियों, हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य, बड़ा काव्य क्या है? पद्मावत। ठीक है, जिन्होंने जायसी नहीं है लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रचना पूछता है। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी जी की है। तो हिंदी का प्रथम बड़ा काव्य है, क्या है? प्रथम बड़ा काव्य है। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। पद्मावत पिक्चर देखे होंगे, दीपिका पादुकोण है, बड़ा बड़ा। ठीक है, बड़ा काव्य है उसका। आगे है साथियों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्री प्रवास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, किसका है रचना, ये भी पूछता है, हरि अवध जी का। तो हरि जो है सबके लिए प्रिय है, प्री प्रवास जो है रचना किसकी है? हरि अवध की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम
महाकाव्य है। यहाँ लिखा है खड़ी बोली, ठीक है खड़ी बोली, ठीक है जो आदमी खड़ी रहता है उस समय आदमी प्री रहता है सबका, ठीक है प्री प्री प्रवास, ठीक है इम्पोर्टेंट है ये भी आपको याद करना है। खड़ी बोली का महाकाव्य बोलेगा तो प्रिय प्रवास, ठीक है अपना प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है सिंपल है याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है प्रिय प्रिय मैंने प्रिय है क्या है खड़ी बोली, ठीक आगे साथियों हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु जो कि लाल श्रीनिवास जी ने लिखा है। यहाँ लिखा है उपन्यास, क्या है परीक्षा गुरु, क्या है परीक्षा गुरु, तो उपन्यास जो है परीक्षा में पढ़ के जाना चाहिए भैया, ठीक है उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक है याद रहेगा सिंपल है। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, क्या है नहुष है मौलिक, ठीक है यहाँ लिखा है मौलिक मैंने माल कह सकते हैं माल जो कि कैसा है निहूर नहीं लिखा, क्या लिखा है निहूस लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा निहूस, ठीक है नहुष, ठीक है ध्यान देंगे थोड़ा सा याद रहेगा मौलिक नाटक नहुष है, क्या है नहुष जो कि गोपाल चंद्र ने लिखा है। आगे साथियों हिंदी का प्रथम अभिनीति नाटक, अभिनीति में किया गया था दिखाया गया था चित्र जिसका है जानकी मंगल, सिंपल है जानकी मंगल मतलब जानकी जी का मंगल को दिखाया गया था नाटक में, इस नाटक में क्या किया गया था अभिनीति किया गया था किसमें जानकी मंगल में, ठीक है जानकी जी का मंगल था इसलिए इसमें अभिनीति किया गया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन दोनों में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। प्रथम हिंदी पत्र कौन था उदंत मार्तंड, सिंपल है याद रहता है बच्चों को। आगे है प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है जिसका नाम है समाचार सुधा वर्षण, क्या है सुधा, ठीक है सुधा खाए होंगे सुधा बर्फी, ठीक है तो वही सुधा है समाचार सुधा वर्षण, समाचार तो है क्योंकि दैनिक है, ठीक है समाचार सुधा वर्षण याद रहेगा सिंपल है। आगे है प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सी है वेब दुनिया, कौन सी है वेब दुनिया। आगे है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी के लिए, ठीक है यहाँ लिखा है मक्खन हिम की तरह दिखता है, हम ट्रिक बना चुके हैं नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था सबसे पहले चिदंबरम के लिए पंत जी को, हाँ सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है यह है चिदंबरा इनकी, ठीक है बड़ा बड़ा चित्र हम बताए थे ट्रिक से याद होगा अब ध्यान देंगे तो। आगे है व्यास सम्मान, सबसे पहले व्यास सम्मान किसे दिया गया था भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए राम विलास शर्मा जी को, किसे राम विलास शर्मा, ठीक है याद रहेगा व्यास सम्मान राम विलास शर्मा सबसे पहले दिया गया था। आगे है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था नागपुर में 1975 ईस्वी में, कब 1975 ईस्वी में। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है अष्टाध्यायी, ठीक है क्या है अष्टाध्यायी बताइए, अष्टाध्यायी किसने लिखा है, किसने लिखा है पढ़नी ने लिखा है पढ़नी, आठवां अध्याय पढ़नी है तो अष्टाध्यायी पढ़नी की है। आगे है यूएनओ में हिंदी में वेबाफर देने वाला कौन थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, सिंपल है सब जानते हैं। आगे है फर्स्ट हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में है महाराष्ट्र के वर्धा में, ठीक है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है यह हुआ आपका साहित्य जिसमें हम लिए थे हिंदी में प्रथम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बच्चों को एक बता देते हैं जिन बच्चों को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, एक दो चीज़ में होता है कन्फ्यूजन तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है जैसे कन्फ्यूजन होता है जैसे मान लीजिए यही है हिंदी के प्रथम कवि कौन है हिंदी अपभ्रंश के प्रथम कवि, जैसे दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो इसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिनकर जी को साहित्य पुरस्कार किसके लिए दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, ये भी कन्फ्यूजन होता है साथियों, ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। जैसे दिनकर जी को दिया गया है आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के चार अध्याय, ठीक है कब पढ़ना है दिन में पढ़ना है लेकिन संस्कृत के चार अध्याय, संस्कृत क्या है एक तरह से हम साहित्य की तरह पढ़ रहे हैं ना, तो ये साहित्य के लिए दिया गया था,
इस तरह से कुछ चीज़ें बैठाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और ज्ञानपीठ उर्वशी के लिए दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप